6 अप्रैल पिछले 24 घंटा में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश हुआ है साउथ ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ इंटीरियर ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ कोस्टल ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में मेनली ड्राई वेदर ही था और हाईएस्ट रेनफॉल था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का विषम कटक में 48.4 मिलीमीटर, उसके बाद रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पदमपुर 33.4 मिलीमीटर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का सिमलीगुड़ा 27.0 मिलीमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा इंटरेशिया का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 35 to 38 इस रेंज में था। कोस्टल ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में 32 to 37 इस रेंज में था। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था झारसीगुड़ा में 38.5 डिग्री सेल्सियस और भुवनेश्वर सिटी में हमारा टेम्परेचर कल था 37.8 डिग्री सेल्सियस। अभी अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, अगला 5 दिन में थंडरस्टॉर्म का साथ एक दो जगह करके बारिश का पॉसिबिलिटी है। कल स्लाइटली इंक्रीज करने का चांसेस है एरिया वाइज इंटेंसिटी वाइज भी। हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश होने का चांसेस है उड़ीसा में। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का ज्यादा पॉसिबिलिटी है मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, नवापारा, कालाहांडी, कंधमाल, गजपति, गंजाम, बलांगीर, सोनपुर, बरागढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज। फिर हमारा कल 7th को साउथ ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करने का चांसेस है। इसमें कुछ कुछ स्थानों पर नॉर्थ ओडिशा में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गास्टी सरफेस माइंड हेल्स भी हो सकता है एक दो जगह में, गजपति, गंजाम, रायगढ़, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग है। फिर 8, 9, 10 में भी हमारा एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, प्लस माइनस 1 डिग्री का अंदर ही रहेगा। बट पिछले 2-4 दिन का पहले से अभी टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इसलिए अभी हमारा नॉर्मल का आसपास आया है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नॉर्मल का आसपास है और भुवनेश्वर सिटी में हमारा आज मैक्सिमम टेम्परेचर 38 का आसपास रहने का चांसेस है। पार्टली क्लाउडी स्काई भी होने का चांसेस है। थंडरी के साथ एक दो जगह में कुछ कुछ एरिया में बारिश भी हो सकता है इवनिंग नाइट की तरह।